अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ दूँ अल्लाह ताला आप सभी दोस्तों को अपनी हिफाजत में रखे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी अपने इस मुर्गे की ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी क्या नाम है हालत हमारे इस मुर्गे ने की है, ठीक है। ये आपस में लड़ गए थे तो अब इसकी ट्रीटमेंट की नहीं, सिर्फ मैं कुछ नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसमें एक है हल्दी, ठीक है, और सेकंड आइटम है सरसों का ऑयल, ठीक है, जो मेरे पास अभी मौजूद है मैं उसी को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने वन टाइम सिर्फ हल्दी और सरसों का तेल का लेप लगाना है और सेकेंड आप सिर्फ सरसों का तेल आप डे बाई डे यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं करना। आप इंशाल्लाह आपका ब्लड रिकवरी पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका ज़ख़म इसका घाव सब भर जाएगा और इसकी सूजन वगैरह भी कम हो जाएगी। आप चाहो तो एक अदद पैनाडोल, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जिसका आधा आधा आपने हिस्सा दो टाइम में यूज़ कराना है बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं यहाँ इस पॉलीथीन बैग के ऊपर ही ये बना रहा हूँ क्योंकि इसका रंग किसी उससे जाता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अब फाइनल इसकी कंडीशन देख सकते हो, ठीक है, इसकी एक आई और एक यहाँ पर, यहाँ पानी भर चुका है, ठीक है, सूजन के बाइस और जो इसको मार पड़ी है उसकी वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आई इसकी अभी ओपन है, ठीक है, और एक आई इसकी बंद हो चुकी है, लेकिन आँख इसके अंदर मौजूद है लेकिन सूजिश की वजह से ये खुलेगी नहीं, ठीक है, जबकि आप देख सकते हो कि अभी भी इसको ब्लडिंग हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हो क्या कंडीशन है इसकी अभी, और इसको मारने वाला कोई नहीं, इसी का भाई है, ठीक है। तो चलाएं दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, मैं अभी ये लेप लगाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने जहाँ तक हो सका इसके ऊपर ही पूरा का पूरा लेप लगा दिया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल और हल्दी है, ठीक है, और आपको मालूम है कि हल्दी तो वैसी बेहतरीन एक मेडिसिन के तौर पे काम करेगी, साथ में सरसों का तेल इसके ज़ख़म को नरम भी रखेगी और साथ में जल्दी सेहतियाब होने में मदद करेगी इसकी, ठीक है। इसकी जो एक आँख बंद थी अब वो काफ़ी हद तक ओपन हो चुकी है, बहरहाल इसके मुंह के अंदर जाता है या ये ग़िज़ा खा भी लेता है इसको, अभी तो ये मलेगा तो कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको कंडीशन बताऊंगा इसकी नेक्स्ट डे अगर सरवाइव करता है, ठीक है, इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। सेकंड वाले को हम रात में लगाएंगे क्योंकि वो भी हमारे हाथ में नहीं आएगा। फी अमान अल्लाह।